यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर, क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी सिपाही अरुण यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में अरुण यादव ने सरेंडर किया। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की आत्महत्या का मामला है, जिसमें महोबा के SP मणिलाल पर सीधे आरोप लगे थे, वो भी फरार चल रहे हैं। IPS मणिलाल के साथ सिपाही अरुण यादव पर भी 25,000 रुपए का इनाम था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के आत्महत्या के मामले में आरोपी सिपाही अरुण यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में अरुण यादव ने सरेंडर किया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है जेल इसको, महोगा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की आत्महत्या के मामले में। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही महोबा के तत्कालीन SP रहे IPS मणिलाल के साथ सिपाही अरुण यादव पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज सिपाही अरुण यादव ने सरेंडर कर दिया है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जहां पर सरेंडर हो जाता है, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाता, एक और सरेंडर हो गया। देखिए, बिल्कुल सरेंडर हो गया। सबसे बड़ी सवाल इस बात का है कि सिपाही अरुण यादव, जो IPS मणिलाल पाटीदार के साथ 25,000 का इनामी था, उसने भ्रष्टाचार निवारण जो कोर्ट थी उसमें आज सरेंडर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि IPS मणिलाल पाटीदार ना तो सरेंडर करने जा रहा और न ही अभी तक गिरफ्तार हुआ है। एक IPS की गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश पुलिस हीला हवाली कर रही है और यह यूं कहा जाए कि मणिलाल पाटीदार भारी पड़ रहा है। अरुण यादव भी मणिलाल पाटीदार के साथ आरोपी था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। अरुण यादव ने लखनऊ के स्पेशल भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही मणिलाल पाटीदार और महोबा के कृषक व्यापारी की मौत के मामले में जो आत्महत्या का मामला है, उस पूरे मामले में अकेले मणिलाल पाटीदार उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती। बीते वक्त में कुछ ऐसे मामले जो सामने आए कि मणिलाल पाटीदार को पकड़ नहीं पा रहे हैं या पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, कोई बचा रहा है? देखिए, यही एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जब 25,000 के इनामी से लेकर के और 2,00,000 के इनामी को यूपी पुलिस ढेर कर देती है, तो और उसके बाद अगर उन्हीं के महकमे का एक IPS अधिकारी, जो कि पहले जिले में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के तमाम कीर्तिमान जिसने स्थापित कर दिए, वो पुलिस के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो SCF के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम उन अफसरों पर भारी पड़ रहा है जो बदमाशों को धरपकड़ करने का दावा करते हैं। अभी तक फिलहाल यूपी पुलिस के लिए IPS मणिलाल पाटीदार एक चुनौती बने हुए हैं। जी शुक्रिया संतोष जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो आरोपी सिपाही अरुण यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मणिलाल पाटीदार कहां है।